हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा है इसके पहले, वो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मैटर इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड कि वेदर अ मैटर विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। वी हैव सीन एंड वी हैव ऑल्सो सीन कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मॉलिकुलर मोशन। ठीक है, और वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सब्लिमेशन की सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है। तो सब्लिमेशन में बेसिकली व्हाट हैपेंस कि आपका जो सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस और गैस से हमारे पास सॉलिड में कन्वर्जन होता है, बीच में लिक्विड स्टेट सब्लिमेशन में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वी हैव सीन कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैसेज, जैसे LPG हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो इट इज़ ए हाई प्रेशराइज गैस, जिसमें कि हमारा जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाता है। आफ्टर दैट वी हैव सीन कि जो हमारा तीन फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों फॉर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे कैसे, अगर सॉलिड को अगर आप फ्यूज़ करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को सॉलिडिफाई करोगे तो सॉलिड बनेगा। उसी तरीके से गैस को अगर आप सब्लिमेशन करोगे तो सॉलिड बनेगा और सॉलिड का सब्लिमेशन गैस बनेगा। एंड गैस और लिक्विड में इंटर कन्वर्जन कैसे है कि लिक्विड को जब आप हीट करोगे तो यू विल गेट द गैस, और जब गैस को कंडेंस करोगे तो यू गेट द लिक्विड। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट द इवेपोरेशन प्रोसेस बेसिकली। तो इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन? बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन योर लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इन टू वेपर। ओके, एंड यू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ हीट। ओके, यू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ हीट सो दैट योर लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इन टू द वेपर फेज। सो इन द वेपर फेज वी हैव सीन दैट वी हैव वन टर्म नोन एज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट वी हैव अ टर्मिनोलॉजी दैट इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मीन्स द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर इन टू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेपर, मीन्स वेन एवर द वाटर इज बींग कन्वर्टेड इन टू वेपर, सो इन दैट प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज नॉट गोइंग टू चेंज, इन फैक्ट द टेम्परेचर ऑफ द वेपर विल रिमेन द सेम, मीन्स एट दैट इंस्टेंट यू विल हैव 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर एज वेल एज 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेपर एज वेल। So whatever the heat you are giving, that can be considered as a hidden, because we are not being able to see the effect of the extra heat in terms of the increase in the temperature of the water or the vapor. So that's why we consider it as a latent heat of vaporization. So for the latent heat of vaporization, actually it is a surface phenomena, means that it happens on the surface itself. Okay, now factors that affect the evaporation are, first of all, the rate of evaporation depends upon, the thing is that it depends upon the surface area, it depends upon the temperature, it depends upon the humidity and the wind speed as well. Okay, means if surface area is more, then there will be more vaporization, temperature is high, more vaporization will be there. Okay, now see here, each and every term has been considered one by one. So whenever there is an increase in the surface area, there is an increase in the rate of evaporation, है ना? जितना ज़्यादा area होगा, surface area होगा, जैसे for example के लिए अगर आपके पास if you have two type of container, है ना, अगर आपके पास दो container हैं इस तरीके का, और अगर आप पानी गर्म करना चाहते हो तो आप ये देखोगे कि जो छोटा वाला container है, जिसका मतलब ऊपर का जो opening है, अगर वो छोटा है तो वहाँ से जो vaporization है वो कम होता है, और जो बड़े वाले कंटेनर से वेपराइजेशन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमने देखा है, ये एक्सपीरियंस वी एक्सपीरियंस दिस थिंग इन आवर डे टू डे लाइफ आल्सो, है ना, कि जो भी हमारा वेपराइजेशन का प्रोसेस है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द यू कैन से पॉट कह लीजिए या फिर कंटेनर कह लीजिए। तो एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ग्रेजुअली।
सेकेंड थिंग इज दैट बेटा कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए इसको ले सकते हो कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है और उसमें पानी है, ठीक है, और आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जब आप उसी पानी को गर्मी के मौसम में गर्म करिए और जब उसी पानी को ठंडी के मौसम में गर्म करिए, तो गर्मी के मौसम में जो पानी गर्म करते हो उसमें जो वेपराइजेशन होता है उसका रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर फेज इज हायर एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर फेज इन विंटर सीजन। ओके, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन दैट वी हैव द इंक्रीज, एज वी हैव इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एज वेल। ओके, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन बहुत कम होगा। यही वजह है कि समंदर के किनारे जितने भी मतलब एरियाज हैं, लोकेलिटी हैं, वहाँ पर आप देखोगे कि ह्यूमिडिटी की वजह से जो भी मतलब आसपास के एरिया है वहाँ पर देखोगे आप जो है एक सॉल्ट या नमक टाइप का चीज़ जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि समंदर के किनारे या नदी के किनारे के एरिया जो होता है बहुत ह्यूमिड होता है। उस ह्यूमिड होने की वजह से जो भी चीज़ गर्म होने की वजह से बाहर निकलती है तो वो पूरे इवेपोरेट नहीं करके वो कहीं आसपास जो है वो सेडिमेंट कर जाती है। एंड दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि जो भी चीज़ आपका है जैसे ह्यूमिडिटी जो है और बढ़नी शुरू हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट रीज़न ये है, जब आपका विंड स्पीड बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, जब आपका विंड स्पीड बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न जो है वो बहुत ही सिंपल है कि फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यू हैव सम लिक्विड एट सम टेम्परेचर एंड यू स्टार्टेड प्रोवाइडिंग हीट टू दिस वेरी दिस कंटेनर। ओके, अब क्या होगा कि जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा फेज आएगा जब इस कंटेनर के ऊपर का जो वेपर है उसका प्रेशर जो होगा और जो इस सरफेस के ऊपर वो लगभग दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन जब विंड फ्लो करेगी यहाँ से यहाँ तक, किसी भी डायरेक्शन से विंड फ्लो करे, चाहे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो इन वेन एवर देर विल बी फ्लो ऑफ हीट सॉरी फ्लो ऑफ विंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जितना भी वेपर प्रेजेंट है ऑन द सर्फेस ऑफ द कंटेनर, ये सारा का सारा वेपर जो उड़ जाएगा। ठीक है, ये सारा वेपर उड़ जाएगा तो क्या होगा, इस कंटेनर के ऊपर फिर से एक लो प्रेशर का एरिया जो है या फिर लो प्रेशर का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरा जो है ये लो प्रेशर बन जाएगा। इस लो प्रेशर के बनने की वजह से, है ना, ये लो प्रेशर जो है आपका ये बन जाएगा और इस लो प्रेशर के बनने की वजह से फिर और तेज़ी के साथ जो है आपका वेपराइजेशन शुरू। ठीक है, तो दिस इज द रीज़न बिहाइंड की विद द इंक्रीज इन द स्पीड द रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीज। सो दीज आर द फोर फैक्टर्स दैट डिसाइड द, यू कैन से द इवेपोरेशन प्रोसेस कह लो या फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन कह लो। तो दीज आर द फोर मेन फैक्टर दैट डिसाइड की आपका जो है वो कैसा होगा इवेपोरेशन का रेट। जैसे अब यहाँ पे देखिए, हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग ये आपका, मीडियम एनर्जी का है पुल्ड बैक इन टू द वाटर, और लोअर एनर्जी के जो पार्टिकल हैं वो क्या होता है, वो लिक्विड में ही रहता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द, यू कैन से लिक्विड। तो इफ़ द पार्टिकल हैज़ हायर एनर्जी देन इट विल स्टार्ट गेट इट विल ब्रेक द, यू कैन से द बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स एंड देन इट विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और जो मीडियम है दैट विल बी पुल्ड बैक, एंड जो लोअर एनर्जी के लेवल हैं तो उनका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है बिकॉज दे विल रिमेन इन द लिक्विड एज वेल। अब एक चीज़ है कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है इसकी वजह से कूलिंग भी होती है। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है इसकी वजह से कूलिंग भी होती है। जैसे हमारे घरों में जो आपका वाटर कूलर है ना, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो आप पानी प्रोवाइड करते हो तो वो पानी जब रोटेट होता है तो उसमें जो आपका पीछे से एयर की तरफ आ रहा होता है, रोटेट होने की वजह से क्या होता है, पानी जो है वो इतना फास्ट रोटेट होता है कि जो भी हीट एटमॉस्फेयर का हीट है उसको वो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है कि जो भी आपका हीट है वो इवेपोरेट करना शुरू होता है जब हवा पीछे से चलती है। इस वजह से क्या होता है कि जो आपका कंडेंसिंग का प्रोसेस है वो रोटेशन में रहता है ना। सिमिलरली जैसे आपका, अगर आप एसी की बात करोगे तो एसी में भी क्या होता है, एसी में भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन एसी में प्रोसेस ये होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब, वो
आपका जो भी टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब करके उसको आप लिक्विड फॉर्म में या कहिए कि उसको फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको बाहर निकाल दो, ये चीज़ है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो दिस वॉज द ऑल लेक्चर अबाउट द यू कैन से द फोर्थ लेक्चर, एंड इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, क्या चीज़ होती है और क्या क्या फैक्टर जो है इवेपोरेशन प्रोसेस को डिसाइड करता है। ओके, तो थैंक यू सो मच।